इकोनॉमिक्स को जब हम समझते हैं एज अ सब्जेक्ट, इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी है माइक्रो, दूसरी कैटेगरी है मैक्रो. अभी जो आप फिलहाल पढ़ रहे हो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की. इंडिविजुअल्स जैसे कि आप, जैसे कि कोई एक बिजनेस ओनर, जैसे कि कोई एक फर्म या कोई एक कंपनी. तो हम एक इंडिविजुअल या यूनिट लेवल की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमी की. तो हम इकोनॉमी की जब बात करते हैं देन इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स. जब हम इन सारे इंडिविजुअल्स को एक जगह पे इंक्लोज कर देते हैं तो वो हमें इकोनॉमी देता है. और उस इकोनॉमी को जब हम एक ओवरऑल लेवल पे पढ़ते हैं, एट अ ग्रुप लेवल जब हम पढ़ते हैं, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. मतलब जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल की या कोई एक ग्रुप लेवल की, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. जब हम इंडिविजुअल, मतलब एट एन इंडिविजुअल लेवल, किस तरीके से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कैसे लोग डिसीजन ले रहे हैं, उन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, तो वो हम माइक्रो में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिसीजंस. इन इकोनॉमिक डिसीजंस के पीछे की साइंस क्या है, इनके पीछे की थ्योरी क्या है, वो सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें आप इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ोगे कि कोई एक इंडिविजुअल, सपोज मैं आपकी बात करूं, इवन यू आर पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी. हम किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी के एक पार्ट हैं, जिसको हम इकोनॉमिक एजेंट भी बोलते हैं. वी आर ऑल्सो इकोनॉमिक एजेंट. और हम ऑन अ डेली बेसिस इकोनॉमी के साथ डिफरेंट तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. इफ योर मदर टेल्स यू टू गेट ब्रेड फ्रॉम अ लोकल किराना शॉप, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन इकोनॉमी एज अ कंज्यूमर. Because you are going to the shop, you are paying some money to the shopkeeper, and you are taking a product in return for it. That is your economic participation. Suppose I am a teacher and I am teaching you. This is also an economic participation because I am providing a service to all of you and I get a monetary return for it. So I am also participating in the economy at a service level, at a level where I am providing some service. The shopkeeper that you took the bread from, jo aap jisse aapne bread liya, he or she is also participating in the economy. How? Because he or she is providing you a product. He or she is getting something in return, which is generating some income for the shopkeeper. Further, when the shopkeeper gets income, he or she will also participate as a consumer. A shopkeeper is also a consumer of certain other things. He goes to, say, a clothes shop and he purchases some clothing, garments for himself, and he gives some money in return for the product he receives. So basically, economy jo hai ek tarike se, it is a link of different economic agents. Ki ek economic agent kis tarike se economy mein participate kar raha hai, uske multiple effects ho sakte hain economy mein. And that is exactly what we are going to understand broadly in this subject. This is the course outline that you have for this course. We are using this book, MANQ, Principles of Economics, 6th edition, for your course. So, इस बुक को हम यूज करने वाले हैं. ये बुक बहुत अच्छी है. It is written in such a simple language, in such an interactive language that you will enjoy reading this book. So, the book is very nice. The following is the course outline. I have 6 units और हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं इस बुक के जो हम स्टडी करेंगे. The first unit is an introductory unit where you are going to understand कि microeconomics है क्या, microeconomics as a subject क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, वॉट इज द मेजर फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वी अंडरस्टैंड इन इकोनॉमिक्स. वी टॉक अबाउट द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड वॉट इज द चॉइस दैट एन इंडिविजुअल मेक्स व्हेन ही और शी इज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो किस तरीके से कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन बनाता है, वो हमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बताता है. दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वी डील विद. एंड इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. आप कोई भी फील्ड ले लो, कहीं भी देख लो, यू पिक एनी इशू ऑफ इंटरेस्ट, यू विल नोटिस दैट स्कैर्सिटी और लिमिटेड अवेलेबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम. एंड हाउ डू वी मेक अ डिसीजन, वॉट इज द बेस्ट डिसीजन दैट वी कैन मेक इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इज वॉट इकोनॉमिक्स
tries to explain. So we'll understand different concepts like the concept of opportunity cost, kis tarike se allocation hota hai resources ka, what is the problem of incentives, what is rationing. We will understand all of this in this first unit, which is an introductory unit. So we will be dealing with the three chapters of the book, the first three chapters, chapter 1, 2 and 3 in this unit. Later on, in chapter 3, we'll also talk about trade, what is trade and how is trade important in the context of economics. Unit 2 tells you about the core of economics, supply and demand. Kabhi bhi kisi bhi layman se bhi aap poochoge economics kya hai, to I think ek cheez jo har koi point out kar dega wo hai ki this is supply and demand, something related to supply and demand. So this is something which is very very common to economics, aur obviously isko samajhna bahut important hai ki demand kya hota hai, supply kya hota hai, what are the factors affecting demand and supply, किस तरीके से ग्राफिकली हम डिमांड और सप्लाई को प्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में रिसीव होता है थ्रू दीज मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई. इलास्टिसिटी क्या होता है और इलास्टिसिटी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और टैक्सेस क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे टैक्सेस की वजह से डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, एफिशिएंसी क्या होती है मार्केट्स की. विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन दिस यूनिट, एंड वी आर डीलिंग विद सिक्स चैप्टर्स, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 and 9 from the same book, Mankiw, in this unit. Then unit 3 is on households. Now, since in unit 2 we have talked about supply and demand, it is important to understand ki in the presence of the supply and demand of the market, how does a household make a decision? A household means unit of individuals. Agar main baat karun ek household ki, what are the kind of key decisions that a household makes? How much food to be consumed? How much income to be spent on different heads, like how much should we spend on luxury, how much should we spend on necessities, how much should we spend on education, how much should we spend on food. These are different heads that our household needs to decide. How much should we save? So how does a household make a decision? Kis tarike se ek household koi bhi decision banata hai? These are specifically economic consumption decisions. और किन चीजों की वजह से ये डिसीजन चेंज होता है, तो क्या इनकम अगर किसी हाउसहोल्ड की बढ़ेगी तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा इस डिसीजन पे, किस तरीके से वो इफेक्ट होगा वो हम समझेंगे इस यूनिट में. वेयर वील टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि जब कोई कंज्यूमर एक डिसीजन बनाता है कि आज कितना मुझे खाने पे खर्चा करना है और कितना मुझे सेव करना है, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे जो अंडरलाइन थ्योरी होती है वो क्या होती है, वो किस तरीके से आपके डिसीजन को चेंज करती है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, विच इज चैप्टर 21. सो फार यू हैव चैप्टर 1 to 9 फ्रॉम द बुक, एंड देन चैप्टर 21. वी आर नॉट डूइंग द इंटायर बुक, डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स मिस आउट होंगे आपके. वी आर नॉट डूइंग द इंटायर बुक, सो चैप्टर 1 से लेके 9 तक सारे चैप्टर्स हैं, एंड देन चैप्टर 21. देन इन यूनिट 4 यू हैव फर्म एंड परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, and in unit 5 you have imperfect market structure. So in these two units you will be looking at market forms. Economics kahan pe operate hoti hai? Market mein. So market is a very very important place for understanding economics. Kisi bhi tarike ke economic behavior ko agar aapko samajhna hai to aap kahan jaoge? Market mein. Now market ke क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, वो आप इन दो यूनिट्स में पढ़ोगे. तो फॉर्म और परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जहां पे हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, उनके क्या एजेंडाज होते हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में. और यूनिट 5 में हम उसके एक ऑपोजिट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम मोनोपोलीज के बारे में बात करेंगे, जो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सेटअप से बिल्कुल ऑपोजिट होती है. अगेन क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इम्परफेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर में, और क्या इश्यूज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से डिमांड या सप्लाई कर्व यहाँ पे अलग होता है एज कम्पेयर टू परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे. सो वी आर लुकिंग एट चैप्टर 13, 14 एंड चैप्टर 15 फॉर दीज टू यूनिट्स. सो चैप्टर 1 टिल 9,
then 13, 14, 15, and then 21. So far, these are the list of chapters. And unit 6 mein ek aur chapter add ho raha hai bas, that is chapter 18. So unit 6 is on input market. A market specifically for the inputs. So jabhi bhi hum koi ek production process ki baat karte hain, to we know that किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो एक फाइनल आउटपुट जब बनता है तो उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ इन इनपुट्स का अपना एक अलग मार्केट होता है. तो उस स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, किस टाइप का डिमांड कर्व होता है और किस किस फैक्टर का, किस किस इनपुट का हम ये मार्केट स्टडी करते हैं. जैसे कि लेबर एक इनपुट है, लैंड एक इनपुट है, तो किस तरीके से ये डिफरेंट इनपुट्स के लिए ये मार्केट होता है डिफाइन, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या इक्विलिब्रियम है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. एंड वी आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू चैप्टर नंबर 18 फॉर दिस. सो इफ आई हैव टू समराइज द सिलेबस फ्रॉम मैनक्यू योर मेन बुक, you have chapter 1 se leke 9 tak, then you have 13, 14, 15, 18 and 21. These are the list of chapters that you will be dealing with, and I will just show you the book. This is the book that we will be using. Chapter number 1, 10 principles of economics. Chapter 2, thinking like an economist. Chapter 3, interdependence and the gains from trade. All of these three chapters are from unit 1. Then chapter 4 till chapter 9, unit 2, market forces of supply and demand, elasticity and its application, supply, demand and government policies, consumer, producers and the efficiency of markets, application, cost of taxation and application, international trade. Then we are not doing 10, 11, 12, ye hum nahi kar rahe hain. We'll move to 13, 14, 15. 13 is cost of production, 14 firms in competitive markets, 15 is monopoly. Then again, we are not doing 16 and 17, we are moving to chapter 18, which is markets for the factors of production, jo ki hum unit 6 mein karenge, input markets. And then again, 19 and 20 we are not doing, 21 hum karenge unit 3 mein, jo ki households wali unit hai, theory of consumer choice.